अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरी आज की वीडियो मैं यहाँ ग्राउंड में ही स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने बाकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बट मैंने अपना ये इंट्रो जो था ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं ये भी यहीं पर रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये मैं आप सबके लिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज की वीडियो में मैंने नेम्स लिए हैं सबके, जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आज अपनी मंडे रूटीन आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी सहरी के टाइम, तो सहरी से लेके अभी इफ्तारी तक मैं अपनी जो रूटीन थी मेरी वो सारी शेयर करूँगी। तो आप जो है ना बस वीडियो देखते रहिए। मेरी मंडे की सहरी, और यहाँ पर ये फोर्थ सहरी है। और मैं बस ये सिंपल मैंने ओट्स बनाया और इनको मैंने मिल्क के साथ ऐड किया और मैं यही खाऊंगी। और इसके अलावा मुझे एक और बात करनी है कि ये जो आप जग देख रहे हैं ना, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जग ऐसे करके, ये जग मैं पूरी रात, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मैं जाग रही होती हूँ, तो मैं पूरी रात में ऑलमोस्ट 3 या कभी कभी 4 के आसपास जो है ना ये पीती हूँ, ताकि बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन ना हो। पानी आप लोग भी ज़्यादा पीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। अभी क्योंकि सहरी में टाइम है तो मैंने अभी बस यही साथ रखा है, अदरवाइज़ मैं सहरी में कोई 3 या 4 जो है ना डेट्स भी लाजमी लेती हूँ, क्योंकि खजूरें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने अभी दही भी बना लिया, सहरी भी कर ली है और नमाज़ पढ़ के मैंने तिलावत भी कर ली है। और अब मैं जो है ना सोने लगी हूँ, और मेरी रूममेट और मेरी फ्रेंड जो है वो ऑलरेडी सो चुकी है, तभी मैं बाहर की तरफ आई हूँ ताकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। और इस वक्त आप मेरी हालत को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, ये जो है ना सोने वाला मुँह है आपको पता है, तो आप जो है ना मेरी हालत को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। और आज चूँकि मंडे है तो मेरी जो है ना 9:40 पे क्लास भी है, और इस वक्त हो रहे हैं 6:00, मतलब 6 बजने में आई थिंक 5 to 10 मिनट्स ही होंगे। तो अब जो है ना मैं जाके सोऊंगी, और फिर 9:40 पे मेरी क्लास है, तो मैं इंशाल्लाह 9:30 पे उठ जाऊंगी ताकि मैं अपनी क्लास अटेंड कर सकूं। तो चलिए अब जो है ना फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ देर। और ये जो है मैं आपको बाहर का क्लिप दिखा रही हूँ, बिकॉज इस टाइम पे मैं आज ही बाहर आई हूँ और ये बहुत ही जो है ना सुकून वाला मोमेंट लग रहा है। मैं अभी खामोश होती हूँ तो आप सुनिएगा परिंदों की आवाज़ और इस मोमेंट को। तो ये थी जी अभी की वीडियो, और इंशाल्लाह मैं आज की जो है ना फुल रूटीन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, सी यू। ये मैंने डिनर के लिए चिकन निकाल के रख दिया है, और साथ ही अभी मैं मशीन में अपने कपड़े भी डालने लगी हूँ वॉश करने के लिए। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में, और मैंने अभी देखा हमारा सर्फ ख़त्म होने वाला है, बट इट्स ओके, मैं इसी से अपने कपड़े वॉश कर लूँगी बिकॉज साथ में लिक्विड भी है तो हो जाएगा। सो अब हमें ऑर्डर करना है सर्फ, तो लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, नो प्रॉब्लम। सुबह के सारे क्लिप्स में से हो गए हैं जो कि मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बट अभी मैंने जो क्लिप आपको दिखाया मैंने अपना जो है ना चिकन निकाल के बाहर रखा है और कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए रखे हैं। और अब जो है ना 5 हो गए हैं यहाँ पे, और मैं जा रही हूँ अपना दफाव रिसीव करने के लिए, पार्सल रिसीव करने के लिए। और उसके बाद मैं आने के बाद जो है ना अपनी इफ्तारी की थोड़ी सी प्रिपरेशन करूँगी, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैं जाऊँगी रनिंग के लिए। तो मैं आप सबको भी अपने साथ ही लेके जाऊँगी। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ पार्सल देने, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। तो आज से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, मैं पार्सल्स लेने आई हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा रश है। लेमन से जो कि हमारे ख़त्म हो चुके थे, और अब मैं इन सबको निकाल के देखूंगी कि अगर कोई ख़राब है तो उसे साइड पे कर दूंगी और बाकी सारे फ्रिज में रखूंगी। तो और इसके बाद जो है ना मैं इफ्तारी के लिए शिकंज भी बनाऊंगी, और ये जो चिकन था ये भी जो है ना डीप फ्रोस्ट हो चुका होगा, तो अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी और आने के बाद चिकन बनाऊँगी। अब बनने लगी है शिकंज भी, जिसके लिए मैं ये डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के शुगर,
और ये फुल जग मैंने बनाना है और इसमें मैंने बस 2 टेबल स्पून डाली है और साथ ही सॉल्ट ऐड करूँगी और ये जो है 1/2 टीस्पून जो है ना मैं सॉल्ट ऐड करूँगी इसके अंदर और बस अब मैंने एक 1/2 जो है ना लेमन इसमें ऐड कर देना और हमारी शिकंज भी हो जाएगी रेडी। अब जो है ये मैं इसमें लेमन ऐड करती हूँ 1/2 ही, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होते हैं तो बस ये 1/2 इनफ हो जाएगा, तो ये मैं 1/2 लेमन ऐड करके और जो है ना फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने लेमन भी ऐड कर दिया, अब मैं इसे जस्ट मिक्स कर लूँगी और फिर रनिंग से आने के बाद इसमें आइस ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और बस ये हमारी शिकंज भी रेडी हो जाएगी। तो अब ये जो मैंने रोल्स और समोसे बना के रखे थे फ्रीज़ करके, अब मैं इन पे जस्ट जो है ना हल्का हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। मेरा जो ब्रश था ऑयलिंग वाला वो जो है ना ख़राब हो गया तो मैं इसीलिए फॉक यूज़ कर रही हूँ, इससे बस मैं इन पे हल्का हल्का सा ऑयल लगा लूँगी और इसे बस ओवन में रखूँगी बेक होने के लिए 30 मिनट के लिए। इसी तरह ही दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी और फिर मैं जो ना आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है मैंने ऑयल सब पे लगा लिया और अब इसे रखते हैं ओवन में। ओवन इज रेडी, मैंने इसे प्री हीटिंग पे रख दिया था और अब बस इसमें रखते हैं। तो जी मैंने सारे काम कर लिए हैं और अब मैं जाऊंगी 45 मिनट्स के लिए रनिंग के लिए ग्राउंड में और फिर आने के बाद इफ्तारी का टाइम हो जाएगा और फिर इफ्तारी करूंगी। तो अब मैं जाती हूँ रनिंग करती हूँ और फिर इंशाल्लाह इफ्तारी का टाइम आपसे मिलती हूँ, सी यू। तो मैं इस वक्त बहुत थक चुकी हूँ, मैंने वॉक कर ली अपनी और अब मैंने सोचा कि रूम में जाने से पहले मैं वो नेम सेलेक्ट कर लूँ जो मुझे अपनी वीडियो में कहने थे। लास्ट वीडियो पे आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए और मुझे अच्छा लगा कि मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों की तरफ से मेरे इस आइडिया पे, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। और अब जो है मैं नेम्स लेती हूँ, तो रुके मैं नेम्स देख लूँ कि मुझे कौन से लेने हैं। और तो यस एक और बात है कि अगर मैं इस वीडियो में नेम नहीं ले पाई, मतलब अगर जो मैंने 5 सेलेक्ट कर लिए हैं वो पूरे हो गए, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका नेम नहीं लिया उनका नेम नहीं लूँगी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नेम लूँगी। तो आई होप कि आप जो है ना इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए अब हम नेम्स की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट किए उनमें सबसे पहला नेम जो है वो उसामा का है, उसामा नवीद, और कैसे हैं आप। और उसके बाद जो है ना सेकंड नेम है वजाहत खान का, और वजाहत को मैं यही कहूँगी कि आपने जो भी अपना काम स्टार्ट करना है आप जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जितनी देर करते हैं वो भी काम उतना ही जो है ना लेट होता जाता है। और उसके बाद जो थर्ड नेम है वो है द आर्ट गैलरी बाय शरूक, और ये जो है ना आर्टिस्ट हैं और इनकी पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी हैं, तो मैंने इनके इंस्टाग्राम पेज पे भी देखा था। तो अगर किसी ने इन्हें फॉलो करना है तो मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट्स में इनका कमेंट भी है और उनका नेम भी लिखा हुआ है। और थर्ड नेम जो है फोर्थ नेम जो है वो है ब्यूटी गोल्ड चैनल का, इनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, ब्यूटी टिप्स के अकॉर्डिंग हैं और जो है ना मतलब नेचर होम रेमेडीज़ ये बताती हैं, तो आप इनके चैनल को भी फॉलो कीजिए अगर आपको होम रेमेडीज़ पसंद हैं और आप अपनी स्किन केयर जो है ना फॉलो करना चाहते हैं बाय यूजिंग होम रेमेडीज़, तो आप इनका चैनल फॉलो कर सकते हैं। और इनके चैनल का लिंक भी जो है ना मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन्होंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि स्क्रीन पर भी नेम मेंशन कर दूँ। और फिफ्थ नेम जो है वो है इब्राहिम जान, इन्होंने मुझे रात को काफ़ी लेट मैंने अपना जब जो है ना कमेंट बॉक्स ओपन किया तो काफ़ी लेट इनका कमेंट आया हुआ था और काफ़ी बड़ा कमेंट था और मुझे अच्छा लगा और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा नाम लीजिएगा, तो इसलिए मैंने इनका नेम भी ले लिया है। तो ये थे आज के मेरे नेम जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, एंड अगेन आई विल से जिनका नेम नहीं लिया इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नेम लाजमी लूँगी। सो अब जो है ना मैं चलती हूँ रूम और इफ्तारी का टाइम होने वाला है, अब मैं रूम जाके इफ्तारी जो है ना अपनी कंप्लीट करूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इंशाल्लाह डिनर के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पे मेरा डिनर हो गया रेडी, जो मैंने चिकन निकाल के रखा था इसकी मैंने रेसिपी भी रिकॉर्ड की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमारी है जी रोटी, जी हमने तकरीबन 25 डेज़ हो गए, मैंने कल कहा था ना 15 to 20 days बट हमें 25 डेज़ हो गए डाइट करते हुए और 25 डेज़ के बाद हम रोटी खा रहे हैं, तो मुझे आज रोटी बना के बहुत खुशी हुई है।
तो अब मैं डिनर करूँगी और मुझे लगता है कि मेरी ये वाली वीडियो जो है ना आज अपलोड नहीं हो सकेगी क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, तो अब ये वीडियो कल ही आएगी। सॉरी फॉर इट, आप मंडे की रूटीन ट्यूसडे को देखेंगे, बट इट्स ओके। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। अंटिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।